मेरा घर का काम भी हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गया है, और अब बज रहे हैं 9:30 और हाथ धो के एकदम से रेडी हो गई हूँ। तो अब आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिख रहा है आपको, बट अभी 9:42 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स एकदम से मैं अभी फ्री हूँ, काम वगैरह हो गया है और अब मुझे करना है ब्रेकफास्ट। देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ये बाल सुखा लेती हूँ, एकदम गीले गीले हो रहे हैं मेरे बाल। मैंने ड्रायर नहीं किया है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ठंडा ठंडा अच्छा लगते हैं कि बाल ठंडे ठंडे, गीले गीले बाल अच्छे लगते हैं। तो ड्रायर सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ में कम ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चाय, और मैंने चाय के अंदर चीनी पत्ती डाल दी है, और मैं वैसे गर्मियों का टाइम है तो मैं बना रही हूँ सौंफ वाली चाय, क्योंकि सौंफ ठंडा होता है तो गर्मियों में मतलब अदरक यूज़ करते हैं, बट आज मेरी सौंफ वाली चाय पीने का मन है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने सौंफ डाली हुई है चाय में, और चाय भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है, चाय बनने के बाद यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ ब्रेकफास्ट चाय के साथ, और आप देख सकते हैं। है दोपहर के 1:30 हैं और यहाँ पे बना लेते हैं लंच। तो मैंने थोड़े से चावल निकाल लिए हैं बनाने के लिए, और यहाँ पे बना ली है दाल। तो आज हम लंच में बनाने वाले हैं दाल चावल। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी यम्मी दाल बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं बनाना लंच, और ये मैं थोड़े से दाल चावल बना लेती हूँ लंच के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लंच तैयार हो गया है, दाल चावल और साथ में खीरा, क्योंकि गर्मी का टाइम में तो खीरा अच्छा होता है खाने के लिए, और खीरे में पानी की मात्रा होती है, तो इसलिए खीरा गर्मियों के टाइम में खीरा बहुत खाना चाहिए, जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। The next day. Good morning friend. तो अब मैं उठ चुकी हूँ, और मुझे सबसे पहले उठकर चाहिए चाय, क्योंकि अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुलती है। तो मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर पी रही हूँ चाय, और चाय के साथ है टोस्ट। तो चलो फ्रेंड आप भी चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, बज रहे हैं 7:00। आई होप सबकी मॉर्निंग हो चुकी होगी, और अब मैं टोस्ट खा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड सुबह चाय के बिना अच्छी नहीं लगती, तो मैं यहाँ पे पी ले रही हूँ। तो फ्रेंड चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करने वाले हैं। वैसे भी घर के काम बहुत हैं, लग जाएंगे किसी ना किसी काम में, और चलो चलते हैं देखते हैं क्या काम करते हैं घर का, और मैं जो भी कर रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और तो फ्रेंड्स चने उबल चुके हैं, और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा खाने का ऑयल यूज़ करते हैं।
लंच तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। ये मैंने लंच थाली तैयार कर दी है। लंच वगैरह एकदम कंप्लीट हो गया है और आपने देखा होगा मैंने, मतलब ये जो मेरा ब्लॉग है ये 2 दिन का मैंने शूट किया है और कहीं इस टाइम में कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। और मतलब बोलते बोलते मतलब मैं इतना डरते डरते बोलती हूँ ना कि पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। तो फ्रेंड्स हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।